शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की वजह से राजभवन और बिहार सरकार के बीच ठन गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सरकार और राजभवन आमने सामने है। दरअसल शिक्षा विभाग के एक आदेश की वजह से ऐसा हुआ है जो पिछले दिनों जारी किया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से और उस आदेश के बाद राजभवन और बिहार सरकार आमने सामने है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा रोक लगा दी गई थी वेतन पर वाइस चांसलर के और प्रो वाइस चांसलर के, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के वेतन पर रोक लगाई गई थी और इस पर राजभवन गुस्से में है और राजभवन ने पत्र लिखा सरकार को, कड़ा पत्र लिखा गया और उसके बाद इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई कि ये अपने अधिकार क्षेत्र का हनन है। जी हाँ, शिक्षा विभाग को ये अधिकार नहीं है कि वो राजभवन के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। दरअसल कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर रोक लगाई गई। दरअसल समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में, उसमें कुलपति और प्रति कुलपति शामिल नहीं हुए। उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद किसी कुलपति और प्रति कुलपति पर यह पहला एक्शन था, लेकिन इसका रिएक्शन हो गया है। जी हाँ, सरकार को पत्र लिखा गया है राजभवन की तरफ से और साफ किया गया है कि जो कुछ किया गया है सरकार मनमानी कर रही है और ऐसा न करे सरकार। जो राजभवन से कहा गया सरकार को कि वेतन रोकने का अधिकार सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास नहीं है। हम आपको बताएं कि राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को पत्र लिखकर कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय में ऑडिट का अधिकार है, लेकिन वेतन रोकने और वित्तीय पावर सीज करने का अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा गया, कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर की गई है, यह विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर हमला है, वह कुलपति के अधिकार का भी अतिक्रमण है, वेतन नियम विरुद्ध रोका गया है, इसलिए आदेश वापस ले। तो कड़ा पत्र लिखा गया राजभवन की ओर से शिक्षा विभाग को। और आपको बताएं कि इससे पहले जो शिक्षा विभाग की तरफ से 17 को जो शिक्षा विभाग की तरफ से विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकार सीज किए गए थे, जो लेटर लिखा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा भेजा गया था निर्देश पर, 17 अगस्त को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोक दिया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन के वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगा दी थी। इसके पहले राजभवन और सरकार के बीच 4 वर्षीय स्नातक कोर्स प्रारंभ हुई थी। राज्यपाल फागू चौहान के समय में विश्वविद्यालय में जांच मामले पर राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आपत्ति जताई थी। तो ये आपत्ति पहले भी एक बार जताई जा चुकी है और अब जो है ये मामला जिस तरह से के पाठक ने एक्शन लिया, कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोक दिया, वेतन बंद कर दिया गया और बैंक खाता को जो सीज किया गया था उस पर राजभवन ने सख्त आपत्ति जताई है और अब सरकार और राजभवन आमने सामने है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से जो मामला पूरा सामने आया था कि राजभवन की तरफ से शिक्षा विभाग द्वारा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोकते हुए उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। पत्र में जो लिखा गया, राज्यपाल सचिवालय ने विभाग को पत्र लिखकर कहा कि वह कुलपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करें, न ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करें। राजभवन ने विभाग को इस कार्रवाई को मनमाना करार देते हुए इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना बताया है। तो ऐसे में कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है, यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जो कार्यशैली है उसकी वजह से सरकार और राजभवन आज आमने सामने आ गई है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के जो एक्शन पर तो तत्काल रोक लगा दिया गया, राजभवन ने आदेश को पलट दिया और साथ ही साथ कड़ी चेतावनी दी
कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। यानी के पाठक की वजह से सरकार एक बार मुश्किल में पड़ती दिख रही है और राजभवन और बिहार सरकार यानी नीतीश तेजस्वी की सरकार आमने सामने है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।